बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पिता ने मरते समय उसको बुलाया और कहा, तुम्हारे सामने ये दो बड़े बड़े हीरे रखे हुए हैं। इनमें से एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। आज तक कोई पहचान नहीं पाया है कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है। उस व्यक्ति ने वो दो हीरे लिए और राजा के दरबार में गया और बोला, आपके सामने ये दो हीरे रखे हुए हैं, एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। अगर आप मेरी मदद करेंगे असली हीरा पहचानने में, तो मैं ये हीरा राज्य के धन में जमा कर दूंगा, और अगर नहीं कर पाए तो हीरे के वजन का धन आपको मुझे देना पड़ेगा। राजा ने उसकी शर्त मंजूर कर ली। राजा ने बड़े बड़े पारखियों को बुलाया हीरा परखने के लिए, लेकिन कोई हीरा पहचान नहीं पाया। राजा को हार के उसे धन देना पड़ा। वो आदमी इसी तरह हर राज्य में जाता और शर जीत के धन जमा करने लगा। बिना हीरा बेचे ही उसके पास बहुत सारा धन जमा हो गया। जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक राजा का दरबार दिखा। वो सोचा, चलो इस राजा के सामने भी यही शर्त रखते हैं। वो राजा के सामने गया और बोला, ये दो हीरो में एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। अगर आप मेरी मदद करेंगे असली हीरा पहचानने में, तो मैं ये हीरा आपके राज्य को दे दूंगा, नहीं तो आपको मुझे धन देना होगा। राजा बहुत गरीब था तो उसने शर्त मानने से मना कर दिया। लेकिन तभी एक अंधा आदमी आया और बोला, मैं पहचान सकता हूँ कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है। दरबार के सभी लोग बड़े अचंभित हो गए कि जो इतने राज्यों में कोई नहीं बता पाया, वो एक अंधा आदमी कैसे बता सकता है। वो आदमी आगे आया और दोनों हीरो को हाथ लगाया और बता दिया कि ये वाला हीरा असली है और ये वाला हीरा नकली है। उसको उस व्यक्ति ने पूछा कि तुमने कैसे पहचाना, तो वो अंधा आदमी बोला, जो धूप में गर्म हो गया वो कांच है और जो नहीं हुआ वो हीरा है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जो इंसान छोटी छोटी बातों पे गर्म हो जाता है वो कांच है, लेकिन जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा रहे वो इंसान हीरा है। और ऐसे हीरे को एक अंधा आदमी भी पहचान सकता है।